मध्य प्रदेश के डिडोरी में किसान और उसके बेटों को बैल बनकर हल चलाने का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है। पटवारी ने मोहनी गांव के किसान के पास 3 बैल होने की रिपोर्ट दी थी। पटवारी ने फोटो और पंचनामा बनाकर डीएम को भेज दिया था। थाने विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने किसान को बैल खरीदने के लिए 20,000 रूपए की आर्थिक मदद दी। ग्वालियर में मर्चेंट नेवी की परीक्षा के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि उनसे 300 रूपए लेकर परीक्षा के लिए बुलाया गया था। स्कूल ने ऐसी कोई परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। छात्रों की शिकायत पर झांसी रोड पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुना में एक ही नंबर की 2 गाड़ियों को परमिट देने का परिवहन विभाग में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। कैंट थाना पुलिस ने सवारी भर रही 2 बसों के कागजात की जांच की तो दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही निकला। इनका रजिस्ट्रेशन और परमिट गुना आरटीओ से जारी हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल स्टेशन पर नल से पानी पीते समय एक यात्री के हाथ में सांप आ गया। सांप देखकर प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। बाद में पहुंचे एक सर्प विशेषज्ञ की मदद से सांप को पकड़ा गया। सांप सैंड बोआ प्रजाति का बताया जा रहा है, हालांकि इसका एक ही मुंह है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के मन की बात तर्ज पर जनता तक सीधे पहुंच के लिए दिल की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है। रविवार की शाम को सीएम के दिल की बात कार्यक्रम के पहले एपिसोड का प्रसारण किया गया। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के लिए 56 भोग का भव्य आयोजन किया गया। 1,101 थालियों में 56 क्विंटल मिठाइयों का भोग भगवान पशुपतिनाथ को लगाया गया। राजस्थान के भिलवाड़ा के मशहूर 20 कारीगरों की टीम ने 8 दिनों में भोग तैयार किया है। 56 क्विंटल का 56 भोग शुद्ध देसी घी से बनाया गया है। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। राजस्थान के जालौर में कई गाँव अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। पिछले करीब 20 दिन से सेसवा, खेजड़ियाली, पावटा, सिलोसर, होथी गांव समेत 10 से ज्यादा गांव में पानी भरा है। घरों में पानी भरे होने की वजह से लोग खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। जयपुर आमेर सागर रोड पर पवित्र गेबी पीर बाबा का सालाना उर्स रविवार को खत्म हो गया। उर्स में देश भर के जायरीनों ने बाबा के दर पर माथा टेका और अमन चैन की दुआ मांगी। इस उर्स में राजस्थान और आसपास के हजारों जायरीन शामिल हुए। राजस्थान में रविवार को संकल्प से सिद्धि की ओर कार्यक्रम के तहत आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीकानेर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। टोंक में भी शहर के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा सारे लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उदयपुर के मावली कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और विधायक दलीचंद डांगी भी शामिल हुए।